हिंदू धर्म में जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शव को शमशान ले जाते वक्त सभी लोग राम नाम सत्य हैं ऐसा बोलते हैं। सवाल ये उठता है कि हिंदुओं के बहुत सारे देवी देवता होने के बावजूद सिर्फ राम का ही नाम क्यों लिया जाता है? यदि राम नाम सत्य है तो असत्य क्या है? इस मंत्र को अन्य किसी अवसर पर क्यों नहीं बोला जाता? आइए जानते हैं कि शव यात्रा में राम नाम सत्य है ऐसा क्यों बोला जाता है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। हिंदुओं के बहुत सारे देवी देवता होने के बावजूद सिर्फ राम का ही नाम क्यों लिया जाता है? यहाँ पर राम नाम प्रतीकार्थ है। राम मतलब ओंकार। राम शब्द की अनवरत गूंज ओंकार से काफी मेल खाती है, इसीलिए राम। राम नाम एक बीज अक्षर है। हिंदू धर्म में राम का नाम एक बीज अक्षर माना जाता है। भगवान राम के जन्म से पहले राम नाम का उपयोग ईश्वर के लिए होता था, अर्थात परमेश्वर, ईश्वर आदि की जगह राम शब्द का उपयोग होता था। राम के नाम से समुद्र में पत्थर तैर गए तो व्यक्ति का उद्धार होना कौन सी बड़ी बात है। राम शब्द एक महामंत्र है। रमन्ति इति रामः, मतलब जो रोम रोम में रहता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करता है, वह राम। राम जीवन का मंत्र है, राम मृत्यु का मंत्र नहीं है। राम गति का नाम है, राम ठहरने या थमने का नाम नहीं है। राम महाकाव्य के अधिष्ठाता संहारक महामृत्युंजय शिवजी के आराध्य हैं। कबीरदास जी ने कहा है, आत्म राम अवर नहीं दूजा, अर्थात आत्मा और राम एक है। राम नाम कबीर का बीज मंत्र है। राम नाम को उन्होंने अजपा जप कहा है। पुराण में कहा गया है, राम शब्दो विश्ववचनो मश्वापीश्वर वाचक, अर्थात रा शब्द परिपूर्णता का बोधक है और म परमेश्वर वाचक है। चाहे निर्गुण ब्रह्म हो या दशरथी राम हो, विशिष्ट तथ्य ये है कि राम शब्द एक महामंत्र है। तुलसीदास जी ने कहा है, एकु छत्रु एक मुकुटमणि सब बर्णनी पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो, अर्थात र और म ये दोनों अक्षर जब दूसरे व्यंजनों से मिलते हैं तो सदा उनके ऊपर ही रहते हैं। र छत्रूप रफार में और म मकार रूप अनुस्वार में। राम नाम की ऐसी महानता के कारण ही हिंदुओं के बहुत सारे देवी देवता होने के बावजूद सिर्फ राम का ही नाम शव यात्रा में लिया जाता है। राम नाम सत्य है तो असत्य क्या है? सत्य का मतलब होता है सदैव रहने वाली वस्तु। सिर्फ राम यानी ओंकार ही अपरिवर्तनशील है, यानी सदा रहने वाला सत्य है। बाकी सब कुछ परिवर्तनशील होने से असत्य है। मरने के बाद शव का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि आत्मा शरीर का त्याग करके भगवान के पास चली जाती है। यही सबसे बड़ा सच है। राम नाम सत्य है किसके लिए बोला जाता है? शव यात्रा में राम नाम सत्य है ये शब्द मृतक को सुनाने के लिए नहीं बोले जाते, क्योंकि जो मर गया वो सुन नहीं सकता। ये शब्द प्रतीकात्मक रूप से मरने वाले व्यक्ति की ओर से उपस्थित लोगों के लिए बोले जाते हैं। मानो मरने वाला जाते जाते अपने परिजनों को ये बताना चाहता है कि देखो, मैंने जीवन भर पाई पाई जोड़ कर रखी, लेकिन आज मैं बिल्कुल खाली हाथ जा रहा हूँ, कुछ भी साथ लेकर नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए माया के लिए नहीं लड़ना। जैसे राम मोह माया में नहीं फंसे, वैसे तुम लोग भी मोह माया में मत फंसना, क्योंकि माया सत्य नहीं है, सिर्फ राम नाम ही सत्य है। सत्य बोलो सत्य है। जिस तरह आज मेरी गति हो रही है, ऐसी ही गति एक न एक दिन सभी की होने वाली है। राम नाम सत्य है ऐसा क्यों बोला जाता है? किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे ज्यादा दुख उसके परिवारजनों और रिश्तेदारों को होता है। राम नाम सत्य है का जाप करने से परिजनों और रिश्तेदारों को मानसिक शांति मिलती है। दुख की इस घड़ी में उन्हें ये एहसास होता है कि पूरा संसार महज एक भ्रम है और कुछ नहीं। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका जो भी नाम था वह था, अब नहीं है, अब तो सिर्फ
राम नाम ही सत्य है। युधिष्ठिर ने भी कहा था कि जीवन और मृत्यु एकमात्र ऐसा सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। उनके इस कथन के समर्थन में राम नाम सत्य है बोला जाता है। मान्यता के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तब उस व्यक्ति की आत्मा शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में लीन हो जाती है। जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे हों या जिस व्यक्ति ने पुण्य किए हों उन्हें तो मुक्ति मिल जाती है और वे मरने के बाद आगे की यात्रा के लिए बढ़ जाते हैं, किंतु कलयुग में ऐसा कम ही होता है। लोगों के बुरे कर्मों की वजह से लोगों को मुक्ति नहीं मिलती, जिससे वे मरने के बाद भी किसी और शरीर में जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में राम नाम सत्य है ये वाक्य वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए एक कवच का काम करता है, जो मृत देह से प्रक्षेपित होने वाली काली शक्ति से उनका रक्षण करता है। अन्य अवसरों पर राम नाम सत्य है क्यों नहीं बोला जाता? राम नाम सत्य है ये बात यदि इंसान जीते जी समझ ले तो उसका कल्याण हो जाए, लेकिन इंसान मोह माया में इतना फंस जाता है कि सब कुछ जानते समझते हुए भी जीते जी वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। इसीलिए यदि शव यात्रा के समय के अलावा किसी अन्य अवसर पर किसी ने राम नाम सत्य है ऐसा बोल दिया तो उसे अंतिम संस्कार की क्रिया के तौर पर देखकर ऐसे बोल को अपशकुन माना जाता है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि कितनी बार राम राम कहने से पूरी माला का जाप हो जाता है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक देखते रहिए समय चक्र।